स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आपको अपने हॉल टिकट का इंतजार है, तो मैं आज आपको हॉल टिकट के बारे में यानी एडमिट कार्ड के बारे में बताऊंगी। लेटेस्ट अपडेट लेकर फिर दोबारा मैं आपके साथ हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? और अभी आपको पता है आपकी रिसेंटली डेट शीट आई है ना, कल डेट शीट आई है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। आपको पता चल गया होगा आपकी डेट शीट आ चुकी है। 17 तारीख से पेपर शुरू है फाइनल ईयर के, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के जो पेपर है ना वो दिसंबर में होंगे, ठीक है? उनके लिए तो ना प्रमोट का ऑप्शन है ना कुछ ऑप्शन है, उन्हें तो दिसंबर में ही पेपर देने हैं अपने। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके 17 तारीख से पेपर शुरू है। कुछ मैंने कोर्स बताए थे आपको, कोर्सेज के कोड बताए थे जिनमें ना OMR शीट आपको भरनी है। उसमें छोटे छोटे गोले दिए रहते हैं, जो राइट ऑप्शन होगा उसमें आपको जो है उसको सारा फिल करना है, ठीक है? और ऑप्शनल टाइप आपका जो है पेपर होगा। लेकिन बाकी एज यूजुअल जितने भी बच्चे हैं उनका थ्योरी उनको छोड़कर, जो कि डेट शीट में लिखा हुआ है, दो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, उनको छोड़कर बाकी सबका जो है वो थ्योरी में जैसे कि आज तक पेपर लिया गया है वैसे ही पेपर लिया जाएगा, ठीक है? तो तैयार हो जाइए कि तैयारी कर लीजिए, पेपर शुरू होने वाले हैं और पूरे 16 तारीख तक यानी 16 अक्टूबर तक पेपर चलेंगे आपके, ठीक है? तो आपका जो हॉल टिकट है, फाइनली आपने जो थंबनेल में देखा है, हॉल टिकट के बारे में बात कर रही हूँ, तो जनरली आपने देखा होगा जब भी डेट शीट अपलोड होती है तो उसके 10 दिन में यानी 10 दिन बाद जो है ना वो आ जाता है, आपका हॉल टिकट आ जाता है कि कहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है, और हॉल टिकट में आपके पेपर लिखे रहते हैं, कोर्स कोड लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है। तो आप ये लगा लीजिए 10 तारीख से पहले पहले आपका हॉल टिकट आ जाएगा, ठीक है? अभी तक आपका हॉल टिकट नहीं आया है, लेकिन 10 तारीख से पहले जो आज तक होता आया है उस तरीके से कैलकुलेशन करें तो बिफोर 10 डेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 8-10 तारीख तक आपका जो है मैक्सिमम 10 तारीख तक, 10 तारीख से पहले पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा और आप डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड ले जाना एग्जामिनेशन हॉल में, और अपना जो है ये ले जाना जो आप डाउनलोड करोगे हॉल टिकट, और बस ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। आपको पता है जिन बच्चों के पास आईडी कार्ड नहीं होता तो उनका आधार कार्ड वगैरह लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें लेके जाना और सेफ्टी का भी ध्यान रखना। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है? और इसी के साथ ही बस यही अपडेट देना था, कुछ बच्चों को पता नहीं होता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।